युवा जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जदयू के महासचिव सज्जन कुमार सिंह और विधायक अभय कुशवाहा उपस्थित थे। विधायक अभय कुशवाहा ने बताया कि जिले और पंचायतों में युवा जदयू के साथ ही नियुक्त होंगे और मुख्यमंत्री के सोच को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कि मार्च तक पंचायत स्तर की कमेटी यानी कि प्रखंड की कार्यकारिणी की कमेटी और आइए हम युवा कमर बांध करके तैयार इस रूपरेखा के साथ हम लोगों को चलना होगा। में हम पार्टी को समर्पित कर देंगे और पार्टी उसके बाद जब लिस्ट रहेगी तो आने वाला जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, चुनाव होगा, खंड की कमेटी समर्पित कर देंगे। प्रखंड की कमेटी में जिला की कमेटी आप समर्पित कीजिएगा तो प्रखंड अध्यक्ष का उसमें नाम होगा और प्रखंड की कमेटी चंदन भैया जो कार्यालय प्रभारी भी हैं, संगठन के प्रभारी भी हैं, क्योंकि इनको इनका कार्यक्रम व्यस्त है। राज्य कार्यकारिणी की यह नई कमेटी की पहली बैठक है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव जनता दल क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय चंदन कुमार सिंह जी उपस्थित हैं और सभी युवा जनता दल के वरिष्ठ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी जिला के अध्यक्ष उपस्थित हैं। हम लोग सबसे पहले तो पार्टी का जो विधानसभा वही सम्मेलन हुआ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जो मानव श्रृंखला का निर्माण 19 जनवरी को जो हुआ उसमें युवा साथी बढ़ चढ़ करके भागीदारी लिए, उसके लिए भी हम सभी लोगों को आज धन्यवाद और बधाई देते हैं। और आगे की रणनीति हम लोग पंचायत स्तर तक की कमेटी गठन करने के लिए, चूँकि जिला स्तर तक की कमेटी करीब करीब जिलों में हो चुकी है और उसका लिस्ट भी हम लोगों के पास आ रहा है, हमने पंचायत स्तर तक की कमेटी मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है कि मार्च तक पंचायत स्तर तक की पूरी कमेटी आप जमा कर दें और कमेटी जमा करने के बाद जो भी कार्यक्रम है हम लोग युवा जनता दल के साथी बूथ स्तर तक हम लोग युवा जनता दल के साथी उसे पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचारधारा है, जो सोच है, जो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन तमाम कार्यक्रमों को युवा जनता दल के साथी बिहार के युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।